Morning India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ. 12 बज चुके हैं, क्लास के इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट चैप्टर का टाइम हो चुका है. अब अपन लोग क्या करेंगे ना, आज एक थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक मैंने चुनी है. वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग जानेंगे. बेसिकली तो इनका पीरियड 72 से 85 कहा जाता है, लेकिन और भी उस दौरान में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं इनकी कार्यकाल में वो हम लोग देखेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इनके ऊपर, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, इम्पीचमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठकर आते हैं. तो आज अपन लोग वो देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, कैसे कैसे हुआ है. ठीक है, बढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग की तरफ हम लोग. जैसा हमें पता है कि ये जो है ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. ठीक है, तो शुरू करते हैं और पहला देखते हैं कि इन्होंने पहला काम जो किया था वो था कि स्टेट ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया था. ठीक है, राजकोषीय राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया. इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि नवाबों की छेड़खानी ना हो, तो बढ़ाकर कहाँ कर दिया था, कलकत्ता में उसे उठाकर शिफ्ट कर दिया था. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि 1700 में एक क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया था हर एक जिले में. फिर एक सदर सिविल कोर्ट और सदर क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में. ये सब क्वेश्चंस आते हैं जो है कहाँ पर पहली बार एस्टैब्लिश हुआ था, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को ऐड कर लिया है. इसको जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी ना, एक बार रीड कर लेना. हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट में जाना होगा वो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो आगे आती जाएगी, तो हम लोग देखते चलते हैं. ओके, फिर देखो यहाँ पे आ गया हमारा 1772 में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑर्डर किया था अबॉलिशन डुप्लेक्स सिस्टम का, और ऑर्डर किया था कंपनी को कि वो गवर्नेंस ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा प्रोविंसेस भी ले ले. देखिएगा, बढ़ते हैं अपन लोग सीधा किस पे. देखो, रेगुलेटिंग एक्ट को अगर हम लोग वहां पर जाकर थोड़ा सा लिंक कर दें बातों को तो हमें चीजें समझ आएंगी. ठीक है, जैसा लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक का था. कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो. इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था. इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पर था, जिसमें 1782 में इस्तीफा देना पड़ा. हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी. देखो, अगर हम लोग मोटी मोटी बातें करें ना तो ये क्या है, देखो पहले गवर्नर जनरल थे जैसा मैंने आपको बताया. हेस्टिंग साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया था. किसके क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया था. अब रेगुलेटिंग एक्ट था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जैसा हमें पता है वो हमारे देश में ट्रेड करने आई थी. ठीक है, लेकिन जैसा हम जानते हैं ना कि ट्रेड करने आई थी 1608 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ना, ये इंडिया में इस तरह से फैल गई कि इसको जो है नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था. कब, 1773 में. अब पहले हमारे वहां पर क्या हुआ करता था, पहले हमारे वहां पर ना तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे. ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी. ठीक है, मद्रास को, बंगाल को, बॉम्बे को. इनको पूरा मद्रास को कौन देखता था, गवर्नर ऑफ मद्रास. बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे को गवर्नर ऑफ बॉम्बे. ये तीनों देखा करते थे अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज में. लेकिन फिर रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया था. याद करिएगा,
गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब ये समझ लो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी इन दोनों की भी, जहां पे सभी को क्या करना था, रिपोर्ट करना था। और इसके साथ ही साथ चार काउंसिल के मेंबर रख दिए गए थे। ठीक है, तो पहला तो ये है जो हम लोग देख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, तो क्या हुआ था कि इन्हुटा के क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था। पहला तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया था, जो हमने अभी आगे वाली स्लाइड में पढ़ा था ना कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ड्यूअल सिस्टम को जो है खत्म कर दिया था। ड्यूअल सिस्टम से हम क्या समझते हैं, देखो पहले हमारे देश में जो है दो तरीके से हुआ करती थी अथॉरिटीज, दो अलग अलग अथॉरिटीज हुआ करती थी। ठीक है, एक नवाब के हाथों हुआ करती थी, इसको जो ना इधर, एक हुआ करती थी नवाब के हाथों और एक हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के हाथों। ठीक है, इन दोनों लोगों के अंदर जो है कुछ अथॉरिटीज आती थी, कुछ इनके नियम कानून थे जो चलते थे। नवाब किस चीज को देखते थे, जुडिशियर, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ब्रिटिशर्स किसको देखा करते थे, जो गवर्नर्स हुआ करते थे, ये दीवान राइट को देखा करते थे, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स हो गया, इन सब से संबंधित जानकारी ये रखते थे, ये उसको पूरा देखा करते थे। ठीक है, तो देखो अब जब इनके पास में ये राइट चला गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना बहुत वो बैंकक्रप्ट का हाल हो गया था, लेकिन वहां पे जो काम कर रहे थे कर्मचारी वो बहुत अमीर होते जा रहे थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि उनकी जो हालत है वो खराब होती जा रही थी, तभी जो है इम्पीचमेंट भी आया था। कभी कभी पूछ लेता है इम्पीचमेंट कब लगा था, लेकिन इवेंचुअली हस्टिंग साहब जीत गए थे उसमें भी, उन्हीं के पक्ष में फैसला हुआ था। खैर, हमें ये जानना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने ही खत्म कर दिया था इस चीज को, ड्यूअल सिस्टम को जो अलग अलग था, इसको खत्म कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ने कि डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। और वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। याद रखिएगा, जो दो तीन पॉइंट्स हो सकता है ना, वो एक ये बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, बंगाल को, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कब किया गया था, दूसरा ड्यूअल सिस्टम किसने एंड किया था, हस्टिंग साहब ने, और किसने शुरू किया था ड्यूअल सिस्टम को, रॉबर्ट क्लाइव ने। ड्यूअल सिस्टम क्या था कि दो अलग अलग पार्ट्स में हमारी दो अलग अलग जिम्मेदारियों को बांट दिया गया था, नवाब के अंडर प्रशासनिक था और ब्रिटिशर्स जो आपके गवर्नर्स थे ना उनके अंडर आपका फिस्कल रिलेटेड था, ठीक है, टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, चलो खैर अपन लोग आगे देखते हैं और इनके जो है कार्यकाल में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। जब पीडीएफ मिलेगी आप लोग ये सब देखना, हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, एक है रेगुलेटिंग और एक है पिट्स एक्ट, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो रेगुलेटिंग तो हमने देख लिया कि रेगुलेटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी। फिर देखो, हेस्टिंग साहब ने अपॉइंट किया था मुजफ्फर की विडो मुनी बेगम को एज गार्जियन टू लुक आफ्टर नवाब। ठीक है, इन 1775 मुनी बेगम वॉज रिमूव्ड एंड मोहम्मद रजा खान वॉज अपॉइंटेड एज द पट्रॉन ऑफ नवाब। ठीक है, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया। ठीक, फिर ये थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है कि इस दौरान में जो है कलकत्ता में पहली मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। ठीक, एक ही आप लोगों का जानना है। और इसी दौरान 1782 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत स्कूल इस्टैब्लिश किया था बनारस में। किसने किया था, जोनाथन डंकन। कब हुआ था, 1782। मैंने कहा ना 72 से 85 के बीच में बहुत कुछ हुआ था जो अपन लोग यहां देख रहे हैं। ठीक, फिर जैसा हम देख रहे हैं कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रम प्रदान किया। ठीक, फिर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी खोज की थी। इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ था जो शायद कभी कभी पूछ लेता है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली सो इम्पॉर्टेंट। फिर ये पॉइंट बहुत अच्छा एक बन जाता है कि इसी दौरान में बंगाल गेजेट को लाया गया था, जो कि हमारे देश में पहला न्यूज़पेपर था और जिसकी शुरुआत की थी जेम्स ऑगस्टस हिकी। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि बंगाल गेजेट की शुरुआत किसने की थी, किसने, जेम्स हिकी साहब ने शुरुआत की थी, जो हमारे वहाँ पर पहला जो है न्यूज़पेपर आया था। फिर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में तब से, हाँ
इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा उच्चतम न्यायालय बोल रहा है तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट है ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये उस टाइम का था, अभी वाला डिफरेंट है। उसकी स्थापना तब नहीं हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी बताइएगा, ऑप्शन लीजिएगा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950, 1949, 1948, 1947, या इसमें से कुछ भी नहीं, कब हुई थी। ठीक है, खैर रेगुलेटिंग एक्ट जैसा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो जो हुआ वो आपको बताया गया कि लाया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेसिकली उसको कोई रेगुलेट कर सके, तो इसको पास किया गया था। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो ये था कि इसमें जो है आपकी ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई थी, इम्पीचमेंट वाला एक दौर चला था। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो क्या हुई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये कब पास हुई थी और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था, दैट दे कैन आस्क यू। ठीक, फिर देखो पहला जो है एंग्लो मराठा वॉर हुआ था कब, 1775 से 1782 में एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, हुआ क्या था ना, भाई थे बेसिकली पेशवा बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। ठीक, अब उन्हें क्या करना था, जो खुद पेशवा बनना था, रघुनाथ राव जी खुद पेशवा बनना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग के साथ, वॉरेन हेस्टिंग को पहले तो अप्रोच किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर क्या किया, एक ट्रीटी साइन की थी, सूरत ट्रीटी, सूरत ट्रीटी साइन की थी रघुनाथ राव जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिलकर, इसको साइन किया था, किसको, सूरत ट्रीटी को साइन किया था 1775 में, और अटैक कर दिया था। लेकिन मराठा बहुत जमकर लड़े थे इस युद्ध में, इतना जमकर लड़े दोनों साइड, बहुत ही बेहतरीन लड़ी, और इतनी लड़ी कि 7 साल तक इसका कोई परिणाम ही नहीं आया था। 7 साल तक चलता रहा, समझ लो मैच टाई हो गया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ सलबई। ठीक है, क्या नाम होता है, ट्रीटी ऑफ सलबई। ये 1782 में साइन हुई थी ताकि पीस रिस्टोर किया जा सके इन दोनों में। ठीक है, तो सूरत ट्रीटी पहले साइन हुई थी, जो बाद में जिससे पीस रिस्टोर किया गया था वो तो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ सलबई। इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अब वो उनके परदादा कौन थे, उनके दादा कौन थे, वो कौन थी, वो कौन थी, इससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन बनता है अपन लोगों को सीधा वहां चलना है। ठीक है, तो ये हो गई अपन लोगों की ट्रीटी ऑफ सलबई। फिर देखिए इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई, चलो, और हेस्टिंग ने अपॉइंट किया था राय रायन को एन इंडियन ऑफिसर टू टेक केयर ऑफ द टोटल रेंट। द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस पोजीशन वाज राजा राजा बल्लभ सन ऑफ दुर्लभ राय। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ था। ठीक, फिर जैसा हमें दिख रहा है पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचे तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, पिट्स एक्ट की अगर हम लोग बात करें ना, तो पिट्स इंडिया, देखो जैसा मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटेन पार्लियामेंट ने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, उसी में कुछ करेक्शन के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इंडिया को अब क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जो ब्रिटिश के थे वो दोनों मिलकर राज करेंगे, लीड करेंगे, ईस्ट इंडिया रूल करेगी और ब्रिटिश गवर्नर को अपना रिपोर्ट करेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था ना, गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 हुआ करते थे लोग, जिसमें सभी की सहमति होनी चाहिए तभी डिसीजंस होते थे, ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। यहां पे जो इनकी टोटल लोग थे उन्हें 3 कर दिया गया था, इसके साथ ही साथ इन्हें राइट टू वीटो दे दिया गया था। ठीक है, तो ये पिट्स एक्ट था, बेसिकली कुछ करेक्शन किया गया था, किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में, इतना याद रखिएगा फॉर करेक्शन इन रेगुलेटिंग एक्ट। फिर देखो आज के जो हमने पढ़ा है वो सब क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें हैं, क्वेश्चन बन बन के आते हैं, पिट्स एक्ट क्यों आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, उसके बाद से मदरसा कब इस्टेब्लिश किया गया था, और किसको जो है दीवानी की जिम्मेदारी दे दी गई थी, किसको हटाकर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक चीज, अब आप लोग इतना सेशन देख लिए, इतनी बातें हुई, बताइएगा भारत के पहले, सॉरी गवर्नर, आखिरी गवर्नर जनरल, और नहीं,
क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सेशन से इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. मोटी मोटी भाषा में जो बात हुई है वो उनके कार्यकाल में जो जो चीजें हुई थी वो अपन लोगों ने पढ़ा है, जो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा करता है वो हम लोगों ने आज देखा है. ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आज डे ऑफ द डे की तरफ. डे ऑफ द डे में जो हमें दिख रहा है 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ताकि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और उसकी तरफ जागरूकता बढ़ सके कि ये कितना ज़रूरी है हमारे आजकल के जीवन में, कितनी ज़रूरत है इसकी. इसलिए इस पर जोर देने के लिए एक दिन मनाया जाता है मेंटल हेल्थ डे. ठीक है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ दूसरे लोग सही तो रहने नहीं देते हैं, तो क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, खुद खुश रहो तभी दूसरों को खुश रख पाओगे. ठीक है, असली खुशी हमारे भीतर होती है. फिर देखो डेजर्ट ऑफ द डे, डेजर्ट यानी आज के खाने में मिठाई में क्या है हमारी. पहला तो ये है कि गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में 30 मई 1987 में स्थापित किया गया था. ठीक है, गोवा में अभी कितने राज्य हैं, गोवा में कितने राज्य हैं बताइएगा, 29, सॉरी भारत में 28, 27, 26 या कुछ भी नहीं. ठीक है, फिर देखो यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट में किसको किसको इंक्लूड किया था, पट्टिकाल में स्मारक समूह को और सुंदरबन नेशनल पार्क को. सुंदरबन कहां पर है और क्या लिखा हुआ है, पट्टादकल जो है हमारी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया था. अच्छा, अभी रिसेंट में किसको शामिल किया है, जयपुर को शामिल किया है. यूनेस्को का हेड ऑफिस कहां पर हुआ करता है, यूनेस्को का हेड ऑफिस हुआ करता है पेरिस फ्रांस में. फिर ये हमारी आज की स्लाइड है कि 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो है फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा. ठीक है, इतने बार हमने पढ़ा है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, होपफुली तुम लोगों को याद होगा एक्ट कब का होता है, 56. ओके, चलो तो हमारा सेशन आज का इतना ही था. अगर आपको सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है. ओके, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स की और भी बाकी कहानी, बिकॉज मतलब जितना पढ़ाया गया है जब पीडीएफ मिले तो सारी पीडीएफ्स को एक बार देख लेना. जो हमें मेन करना था वो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट एक्ट और वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकाल में और जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, जो ट्रीटीज. ठीक है, चलो तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में. अगर आपको सेशन पसंद आया फिर से कह रही हूँ लाइक कर लीजिएगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच.